बिना मेकअप का बना देगा। रो क्यों रही है? पता नहीं, ले मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये टफ टाइम तो सभी का ही है मैडम, तो इसमें रो मत। अब हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मेरा वेडिंग डे, जैसे कि आपको पता है हल्दी मेहंदी का व्लॉग आपने एंजॉय किया, अब शादी का व्लॉग भी आप एंजॉय करोगे। आप लोगों ने इतना कमेंट किया था कि कब से शादी 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 कर रहे हो, बट शादी हो नहीं रही है, कब होगी, बट फाइनली आज है शादी। सो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर रेडी होने के लिए, मेकअप करवाने के लिए। सो यस, अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है कलश दीदी जो कि अच्छा सो नहीं रही है, जागी है, वर्षा दीदी, मेघा पीछे दाई है, हेमंताई। सो अच्छा रोशन पापा गाड़ी परसान था डूम गाड़ी। सो मतलब ये हमको ड्रॉप करने जा रहे हैं, एंड सो अभी हम लोग चार जने यहीं पे रेडी होंगे और सब घर पे रेडी हो रहे हैं। मम्मी वगैरह है, बुआ वगैरह है, उन सबको एलिशा रेडी कर रही है। तो एलिशा वहीं से रेडी होके डायरेक्ट रिजॉर्ट पे आएगी, एंड जोन से रिजॉर्ट में मेरी शादी होने वाली है। आप लोग पूछ रहे थे कौन सा है, वो है अशोक स्पा एंड रिजॉर्ट। सो यस, आज मेरी है वेडिंग। नर्वस भी हूँ, बिल्कुल मिक्स फीलिंग है, बहुत अलग ही फीलिंग है, फीलिंग्स तो कोई पूछे ही मत मुझसे। सो अभी हम लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर हम लोग रेडी होते हैं, एंड उसके बाद रेडी होने के बाद आपको मैं लहंगा, मतलब पहुँचने के बाद लहंगा भी दिखाऊंगी, मैंने कौन सा लहंगा सिलेक्ट किया है क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया नहीं था। सो यस, जाते हैं, रेडी होते हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत धक-धक हो रहा है, तेरी शादी है, मुझे धक-धक हो रहा है कि मैं कैसी दिखूंगी बोलकर। मेरे को मिक्स वाला फीलिंग हो रहा है, और खुशी भी हो रही है, दीदी का शादी हो रहा है, और ये जा रही है तो रोना भी है, मतलब अंदर से ऐसा आ रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है? कल हल्दी था तो जैसे मेघ आई और भयंकर मेघ, और मैं ऐसे भयंकर खतरनाक रोने लगे, धर 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 एकदम से। उसके बाद सब ने मेरे को बोला कि तेरे वजह से रो है, मैं रुला दिया उसे। नहीं मतलब हम दोनों एक दूसरे को देख के ज्यादा इमोशनल हो गए, तो रोना आ ही गया वो। दिस इज माय लहंगा, दिस इज स्टूडियो, एंड दिस इज ब्राइड। ओके, अच्छा ब्लाउज चेंज कर ले। ठीक है गाइस, ब्लाउज चेंज कर लो, सब अपना अपना ब्लाउज लगा लो। ओके, ना मेरे पास तो ब्लाउज ही नहीं है, तुम कुछ भी मत लगाओ। तो गाइज, मैंने ब्लाउज वगैरह चेंज कर लिया, अभी मैं मेकअप करवा रही हूँ अपना। सो मेकअप करवाने के बाद मैं दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक की कैसा आता है। नमस्ते बिना, ब्लॉग में आए से हाय, दुल्हन से मिलाती हूँ, रुको एलेक्सा यहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा दे, कैमरा में दिखा दे। अच्छा नहीं 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 दिख रही। हाँ सही बात है, अभी नहीं देखना, अभी नहीं दिखाना, कोई नहीं, ब्लॉग में तो हाय बोल दो फिर। ब्लॉग में हाय कौन बोलेगा? हाय हाय हाय, क्यों नीचे करने वाला? क्या हुआ कलश, क्यों रो रही कलश? अरे वो मेकअप गाइस, शादी मेरी है, रोना इसको आ रहा है। मैंने बोला मेरे को मत रो, रहा जस्ट मेकअप हुआ है, मेरे को नहीं मेकअप खराब करना, इसलिए मत रो, कोई बात नहीं होता है, मत रो। मेरे को लगा कि मेकअप अच्छा नहीं किया, मैं उनको डांट रही थी मेकअप आर्टिस्ट को, आपने अच्छा नहीं किया क्या मेकअप, इसलिए रो रही है। बट यहाँ पे तो रुक जा, भी टाइम है विदाई होने में। सुनो, निकले कि नहीं आप लोग, और जब मैं एंट्री मारूंगी ना उसमें स्टेज में, तो थोड़ा सा रोना, एक मोमेंट हमको क्यूट मोमेंट क्रिएट करना है, और फिर क्या बोलते जब जयमाला पहनाऊंगी तो आपको ऐसे झुकना है घुटनों के बल, ठीक है? ये दो चीज़ रेडी करके, माइंड सेट करके आना, और थोड़ा सा रोना एकदम ऐसे ना वो करके, ठीक है? तो गाइज मेरा हो चुका है मेकअप डन। सो अभी बाहर भैया भी आ चुके हैं लेने के लिए, सो हम जा रहे हैं, एंड आप बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम नथ पहना है, एंड फर्स्ट टाइम ये लेंस लगाए, सो मेरे को बताना कि कैसा लग रही हूँ मैं कमेंट में। सो मैंने सुना कि बारात देहरादून पहुँच चुकी है, तो उससे पहले हमको पहुँचना होगा। सो अभी हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, एंड अगर बुरी भी लग रही होगी फिर भी तारीफ़ कर देना गाइज, नहीं तो मेरे को बहुत गंदा फील होगा। पर मैं थोड़ी सी अलग अलग सा लग रहा है, मैं एकदम डिफरेंट चेंजेस लग रहा है,
वर्षा से दूसरी वर्षा लग रही हूँ। सो ये सभी हम लोग निकलते हैं। सो अभी कलश, मेघा और वर्षा जी का भी लुक दिखाती हूँ आपको कि कैसा लुक आया उनका। ओके तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। मैंने थोड़ी देर के नथ निकाल दिया, मैं वहीं पे जाके पहनूंगी। सो बारात पहुंच चुकी है गेट पर और हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे और अभी जस्ट निकले हम लोग। बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, पता नहीं कब पहुंचेंगे। एंड मैंने जैसे कि बोला था मैं कलश, मेघा एंड वर्षा जी का लुक दिखाऊंगी, बट वहाँ पर दिखा नहीं पाई थी। सो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। कलश दिखा, ये वर्षा जी, मेघा, आप सबको मेघा का अलग लुक देखना था। देख लिया ना अलग लुक, अच्छी लग रही है कि नहीं कमेंट में बताना। उसको खुद का मेकअप पसंद नहीं आया, हेयर भी नहीं पसंद आया, बोल रही मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, मेरे को मिटाने का मन कर रहा है। बट मैंने बोला अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं कैसी लग रही हूँ वो भी बताना, मेरी तारीफ ही करना बस वही है। एंड बाय बाय, मिलते हैं वहाँ पे रिजॉर्ट में। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एलिशा से मेकअप क्यों नहीं कराया, एंड मुझे पता है ये कमेंट आने वाला है, तो मैं इससे पहले क्लियर कर दूँ। जब मैंने मेकअप वाली बुक किया था तब एलिशा और मेरी बात नहीं हो रही थी। जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि हम लोग कॉन्टैक्ट लेस हो गए थे, हम लोग का बात नहीं चल रहा था। उसके बाद हम लोग का बात होना स्टार्ट हुआ था, तब तक मैंने शादी के लिए मेकअप आर्टिस्ट पहले बुक कर लिया था, तो इसलिए नहीं करवाया। अगर नहीं करवाया होता तो मैं एलिशा से करवाती मेकअप। यस गाइज बारात पहुँच चुकी है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हम भी पहुँचने वाले हैं बस दो मिनट में। कैसा लग रहा है? अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा था, जैसे यहाँ पहुँचने वाला लगा धक 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 हो रहा, सांस भी नहीं आ रही मुझे, तो ऐसा फील हो रहा है। एंड मैंने इन लोग को बोला, कलश मेघा लोगों को, कि गेट में तगड़े पैसे मांगना, जब तक पैसे ना दे एंट्री देना ही मत, अंदर आने ही मत देना नीरज को, नहान जाएंगे वापस, वापस नहान भेज देना, बट अंदर आने मत देना बिना पैसे, ज़्यादा पैसे ना दिए तो। ऑब्वियसली यार मांगेंगे, वो डायलॉग भी मैंने अभी तक याद रखा हुआ, वो वाला हमारी बहन करोड़ों की है, अब आप इतने दोगे तो कहाँ से काम सस्ती थोड़ी, हाँ इतनी सस्ती थोड़ी है, वही वाला। हाँ दोनों की तारीफ करो, मैं गुस्सा है। हाँ? दोनों की तारीफ होनी चाहिए ना, बोल रही थी मेरे पति को कुछ भी मत बोलना, अभी बोल रही है मेरी सिर्फ तारीफ करो। व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉनसेंस यार। उधर चिल्ला, रिएक्शन रिएक्शन उधर, मत बोलना भाई, अभी मत बोलना, अभी मत बोलना, इससे ना रिएक्शन दिनो नहीं, नो 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 ऐले ये नहीं, ना ये नहीं, ना ये ना, हेलो किसी इनका 1 2 3 अरे आराम से यार, आराम से, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। नमस्ते नमस्ते, एक बार घूम के तो दिखा दे। क्यूटी पाई, शर्माओ मत, ढंग से रख, ये तो अंदर का है इसका, इधर देखो ना, ऐसे में लेके आ रही है, ऐसे में, हां प्यार में, ऐसे हां, तो करो ऐसे, देखो ऐसे, हाथ ठीक है, हां ठीक है, हैंड को ये टफ टाइम तो सभी का ही है मैडम, तो इसमें रो मत आओ। चल 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 रिलैक्स करे, लेंस लगाया है। Thank you.
टफ करो फेस एंड गो नाइस हो गया तुम्हें घुमा लो सीधा बहुत सुंदर लग रहा है ठीक ठाक है तेरे आगे कुछ नहीं लग रहा हेलो क्या 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 गेट मेरे आगे मेरा दूल्हा फेल लग रहा है नाइस गेट गेट सी पे आता गेट सी पे चाहती थी अरे बाप रे बता दूं वर्षा को धीरे धीरे लड्डू क्यों खा रहे हो रुको, रुको,
सिटी लोग हैं प्लीज साइड हट जाओ क्योंकि दुल्हन की एंट्री होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है, समझ लो ताली हो जाना पीट के। जस्ट हमने केक कट किया गाइस अभी। केक वाज सो टेस्टी। नीरज का फेवरेट रेड वेलवेट केक था तो मैंने वही मंगवाया था तो वो हमने कट करके खाया अभी। जिस डेट को आपका इंतजार था वो आखिर आ ही चुका है, शादी वाला। सो प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए। तो गाइस अभी आकाश एलिशा लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं, डांस परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। जो जो मैं नॉन डांसर हूँ वो भी कर रहा हूँ भाई। चलो चलो रेडी रेडी।
Yes, finally guys. जीजू से मिल गया, कैसा लगा जीजू से? बहुत अच्छा लगा. एंड मैं जैसे दोनों को यही बोलना चाहूंगा, प्लीज एनर्जी बचा के रखो. दोनों एनर्जी बचा के रखो. रात जो आता है खाना खाने का टाइम आ चुका है 1 बजे. पर अपना व्लॉग से धंधा नहीं बंद करूंगी. अपना व्लॉग का धंधा नहीं बंद करूंगी क्योंकि उसी से पैसे आते हैं. अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, चिकन राइस. उसके बाद फेरे का टाइम है हमारा खाना खाने के बाद. प्री वेडिंग कैसा था बता? बहुत एकदम वाला म्यूजिक एल्बम वैसा फुल, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट वाला फुल ऐसा वाला था एकदम सुंदर सा. ये चल रहा है बस, ये चल रहा है आपके उससे. पर वाह, हीरो हीरोइन बन सकते हैं दोनों. हाय हाय अबे गिरा दिए. अब आपकी बारी. आप भी बता दो. मैं खुद खा लूंगी रे. हाँ ये हुई ना बात. तो गाइस जस्ट अभी हमने खाना खाया, खाना वाना हो गया. अभी हम लोग जा रहे हैं फेरे के लिए, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है इस चीज के लिए, शादी का सबसे वेरी इम्पोर्टेंट चीज. वो रहा हमारा अगला स्टेज, स्टेज जो वहाँ पे है. अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ पे जा रहे हम लोग. गाइज अभी हम लोग कपड़े चेंज करने जा रहे हैं एंड हम लोग पहनने वाले नेपाली ड्रेस. अभी नीरज ने मेरे को गले का हार दिया है. मतलब जो ससुराल से आता है वो साड़ी पहनूंगी, मतलब सारा कपड़ा मैं ससुराल वाला पहनूंगी. एंड नीरज नेपाली ड्रेस पहनेगा, मैं नेपाली साड़ी पहनूंगी. दैट्स इट. क्या हुआ? तो गाइस हमने चेंज कर लिया ड्रेस. हेलो व्लॉगर के पति.
मंगलम भगवान लोटे रुट मार्च सात बार डालो मंगलम सीधा ले मास फाइनल ले ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान दया मंगलम हरि ओ देवर पूरा यहां से गिरा पूरा दया ते खाना गए ले लो सात बार थोड़ा डाल दो तुमने मित्र हाथ आना चेक करो तुमने इधर हाथ आ शायद ना तो सीजा हो ना तो खेल सीजा ना तो खेला हूँ शायद सीजा ना खेला हूँ पूरा बिना रखा आज शादी को पूरी खा शादी को खाए दीदी कांग्रेचुलेशन बड़ा पूछो किधर यार अरे आप करो यार
दे दो भाई पैसे दे दो, हमने नहीं डाले पैसे, दो दीदी लो स्कैनर पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, दो हजार तो छीना ना 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 दो हजार नहीं, ओ मां को धीरे धीरे करके करेंगे लिमिट रीच हो जाएगी, क्या दिखा दो चला गया ना, चला गया देखो ना 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 बाकी के कितने बजे तक तो कहीं ना 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 चलो चलो हो गया, 2000 जा रहा नहीं क्या, जा रहा नहीं मैं जा रहा हूं कभी काल वजह तेरे मेहंदी ठीक है, आज तक तेरा वही नहीं तो मेरे पता है गंदा दिखी चाची वीडियो में एकदम रात से दिखे बड़ी मुश्किल से रो रहा के हम निकले बाहर तब पहले मैं तो चौथा ही बोलता जल्दी निकलो जल्दी, फिर कोई आएगा फिर थप्पड़ मारोगे ना सब रोते हैं, एक भी आंसू नहीं निकला बिना के आंख से, वही तो आपको मेरे को देख कर रोना ही नहीं आया, क्या रोना नहीं है मतलब क्या रोना, मतलब इमोशनल नहीं हुआ थोड़ा सा, मैं यहाँ से हुआ ना इमोशनल दिल से यार, आंख से नहीं दिल से हुआ, आंख तो आंख ले बहुत दिल से बोलती बिना तो खुश हो घर जाते छ, खुश हो आप घर जा रहे हो, क्यों मेरा भी मेरे यो घर छ मेरे तो बंदा घर छ, दो ही घर भईगा बता मेरो बाकी कल बोलूंगी।